उत्तर प्रदेश के हाथरस में युवती के साथ हुई दरिंदगी के खिलाफ देश भर में गुस्सा देखा जा रहा है। हर कोई विरोध प्रदर्शन कर दुराचारियों को फांसी पर लटकाने की मांग कर रहा है। इसी कड़ी में बैतूल में महिलाओं ने अनूठा प्रदर्शन किया, जिसके तहत पत्थरों से भरी थैलियां पुलिस को सौंपी। आमतौर पर किसी घटना के विरोध में ज्ञापन सौंपा जाता है या कैंडल मार्च निकाला जाता है, लेकिन मध्य प्रदेश के बैतूल में हाथरस की घटना पर महिलाओं ने कुछ अलग ढंग से विरोध जताया। ना मोमबत्ती ना ज्ञापन, हाथों में पत्थर लिए ये महिलाएं बैतूल की है। इन पत्थरों से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इनके अंदर कितना आक्रोश है। यही कारण है कि अब इन्होंने विरोध करने का तरीका बदल दिया है। दरअसल हाथरस की बेटी के साथ जो बर्बरता हुई है, उसको लेकर पूरे देश में आक्रोश देखने को मिल रहा है। यही आक्रोश बैतूल में भी देखने को मिला है। बैतूल में इस घटना के विरोध में महिलाओं ने हाथों में पत्थर लेकर रैली निकाली और फिर पुलिस के अधिकारियों को पत्थर से भरी थैली सौंपी। पत्थर सौंपते वक्त उन्होंने पुलिस अधिकारियों से हाथरस के बलात्कारियों को कड़ी से कड़ी और फांसी पर लटकाने की मांग की है। देखिए, हाथरस में जो घटना हुई है या इसके पहले भी जहाँ भी जो भी घटनाएं होती हैं, हम नरम मोमबत्ती जला के तो विरोध प्रदर्शन कर देते हैं और कहीं ना कहीं वो घटनाएं भी नरमी से सरकार ले लेती है। इसीलिए इस बार हमने पत्थर दिए हैं कि जितने कठोर ये पत्थर हैं उतने कठोर आप निर्णय लीजिए उनके खिलाफ। और लगे तो हम तो ये चाह रहे हैं कि हम इन्हीं पत्थरों से उन आरोपियों की जान ले लें, लेकिन मजबूर हैं हम भी कि हम वहाँ तक जा भी नहीं सकते। इसलिए हम यहाँ ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि पत्थरों की तरह आप कठोर उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। देखिए, जिस तरह से महिलाओं के साथ अपराध हो रहे हैं, लगातार एक के बाद एक ऐसी वारदातें सामने आ रही हैं जिसमें मासूम बालिकाएं भी सुरक्षित नहीं हैं। ऐसे विरोधों को हमने कई बार किया है, जब भी बलात्कार जैसे दुराचार जैसे मामले आए हैं विरोध प्रदर्शन किया है, ज्ञापन सौंपे हैं, कैंडल जलाई है, लेकिन अब हमने जो है सख्त एक्शन लेते हुए पत्थर इकट्ठा किए हैं ऐसे बलात्कारियों के विरुद्ध कि उनके विरुद्ध सख्त से सख्त एक्शन हो, सख्त से सख्त कार्रवाई हुई, ऐसे आरोपियों को ऐसे अपराधियों को फांसी पर लटकाया जाए, उनका एनकाउंटर किया जाए, क्योंकि कानूनी प्रक्रियाएँ इतनी शिथिल है, इतनी अधिक लंबा समय ले लेती है कि लोगों के हौसले पस्त हो जाते हैं, न्याय की उम्मीद लगा के लोग रहते हैं। ऐसे कानून जो है फास्ट ट्रैक कोर्ट में जाने चाहिए ऐसे अपराध, और जल्द से जल्द उनके विरुद्ध निर्णय भी होने चाहिए। बहरहाल हाथरस की घटना से व्यथित इन महिलाओं का अनूठा प्रदर्शन शहरवासियों के लिए चर्चा का विषय बना रहा। फिलहाल देखना होगा कि युवती के साथ दरिंदगी करने वाले इन चार आरोपियों को कब तक उनके किए की सजा मिलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर मध्य प्रदेश, बैतूल।